टेस्टी होता है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है और ये बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाता है और होता बहुत इजी है। तो हम लोग किस बात का वेट कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो उसके लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए उबले चना, और हमने 150 ग्राम चना लिया है और उसे इस तरह से हमें अच्छे से मैश कर लेना है। अभी हमें यहाँ 7 या 8 आलू लेने हैं और उसे स्मैश कर लेना है। इस तरह से हमें इसे स्मैश कर लेना है। हमें इस तरह से आलू 7 या 8 आलू जो लिए थे उसे हमने स्मैश कर लिया है और हमें उबले आलू लेने हैं। हमने यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई प्याज ली है, हमने यहाँ पर 4 लंबी मिर्च काट ली है और यहाँ पर हमने लिया है अदरक, ये थोड़ी सी धनिया और यहाँ लहसुन लिए, और यहाँ हमने 100 ग्राम अदरक ली हुई है, 8 से 10 लहसुन ली हुई है और धनिया थोड़ी सी ली। अब हमने यहाँ पर लिया है गरम मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, और हमने यहाँ पर लिया है 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। हमने यहाँ पर 4-5 टोस्ट को इस तरह से रोस्ट कर लिया है, और आप कोई भी अपने जो भी आपको टोस्ट पसंद हो आप उसे रोस्ट इस तरह से कर लीजिए। मैंने यहाँ पर मिल्क रश वाली टोस्ट ली है। अभी हमें इसे नमक डालना है, ये जो हमने मटर ली थी उसमें स्वाद अनुसार नमक हमें इसमें डाल देना है। नमक डालने के बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे।
ज्यादा फोर्स नहीं देना। कुछ ऐसे देखे।